हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज हम यहाँ करेंट अफेयर के क्वेश्चन के सीरीज़ 12th को लेकर आए हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र मेवाड़ी। जो देवेंद्र मेवाड़ी हैं, इनको हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता बछरजनी। अनीता बछरजनी को अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अवार्ड किस राज्य के स्टार्टअप्स को प्राप्त किया गया है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसको सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अवार्ड मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरसाली मल्होत्रा। जो 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 है, उससे पुरस्कार को पाने वाली जो महिला है उनका नाम है हरसाली मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट मोशन पिक्चर या ड्रामा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किस मूवी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द डॉग। जो बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड है वो द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई प्रेस क्लब ने वर्ष 2020 के लिए किस जर्नलिस्ट को रेड इंक अवार्ड समारोह में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दानिश सिद्दकी। दानिश सिद्दकी को रेड इंक अवार्ड समारोह में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोलते हैं UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि प्रदूषण शहरों की सूची में भारत के कितने शहर हैं? मतलब इस सूची में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है, इस सूची में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो ढाका है, लेकिन इसमें शहरों के पूछा गया सूची में कितने शहर हैं, तो इसमें 5 शहर हैं। और वो 5 शहर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है मुरादाबाद, फिर कलकत्ता है, फिर दिल्ली, जयपुर और आसनसोल, ये 5 शहर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। ठीक है, जो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है वो मुरादाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ढाका है पश्चिम बंगाल का, ढाका बांग्लादेश का है। और अगर हम इसमें कहें कि दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वो दिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 136 नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है फिनलैंड।
ठीक है, जो दुनिया का सबसे कह सकते हैं हैप्पीनेस शहर है या हैप्पीनेस देश है वो फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे पे थाईलैंड है, और जो भारत की रैंकिंग है वो 136 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में पेश आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की वजह से वर्ष 2020 में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3548। तो राज्यसभा से जो आंकड़े पेश हुए हैं बेरोजगारी की वजह से 3548 लोगों ने आत्महत्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल डिजिटल स्किल रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्कोर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। जो ग्लोबल डिजिटल स्किल रेडीनेस इंडेक्स में भारत का 63 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पहली तिमाही के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की रैंक बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 83, क्योंकि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 83 है, और इसमें कहें पहले नंबर पे कौन है तो फर्स्ट रैंक जो है वो जापान की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के लूनर एक्सोस्फेयर जो होता है वह सबसे बाहरी वायुमंडल की परत होती है, पर कौन से नोबल गैस का पता लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन 40। तो चंद्रयान 2 ने जो लूनर एक्सोस्फेयर है उसमें आर्गन 40 गैस का पता लगाया, और ये एक कैसी गैस है, ये एक नोबेल गैस है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट पाए जाने वाले पहले व्यक्ति का निधन 8 मार्च 2022 को हो गया, उसका नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में सहयोग के लिए किस सरकारी संगठन ने घरेलू दवा कंपनियों से आवेदन मांगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICMR। ICMR जो संगठन है इसने डेंगू वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में सहयोग के लिए ICMR की कंपनी से घरेलू दवाओं के लिए आवेदन मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोस्ट फ्लाइट क्या है जिस पर पर्यावरण संरक्षण संगठनों ने चिंता जताई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना यात्री की फ्लाइट। ऐसी फ्लाइट जिसमें कोई यात्री ना हो उसको हम कहेंगे घोस्ट फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्पेसक्राफ्ट ने सोलर प्रोटॉन इवेंट्स और कोरोनल मास इंजेक्शन को फरवरी 2022 में रिकॉर्ड किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 2।
चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ने सोलर प्रोटॉन इवेंट और कोरोनल मास इंजेक्शन को फरवरी 2022 में रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सहित कई देशों के रिसर्चर्स ने प्लूटो की सतह पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया गया, मतलब अभी जो जांच हुई उसके अनुसार प्लूटो की सतह पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12.23 HBR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में कितना कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पृथ्वी से 80,000 गुना कम है, मतलब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्लूटो से 80,000 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने वर्ष 2022 के पहले अंतरिक्ष मिशन में किस 3 सैटेलाइट को PSLV C-52 रॉकेट से लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तीनों सैटेलाइट हैं EOS-4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और INS-2 TD और इंस्पायर सैटेलाइट 1, ये तीनों सैटेलाइट है जिसको इसरो ने 2022 में PSLV-C52 रॉकेट से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जिसको कहेंगे सोलर तूफान से फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए, ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के उपग्रह थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SpaceX। ये 40 सैटेलाइट जो अभी सोलर तूफान से नष्ट हुए हैं ये SpaceX के उपग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कम्युनिकेशन सर्विस की टेस्टिंग के डर से एयर इंडिया सहित दुनिया की कंपनियों को जनवरी 2022 में अमेरिका में विमानों का फ्लाइट रोकना पड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने पर केंद्र सरकार ने कितने विदेशी पर्यटकों को फ्री वीज़ा देने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 लाख। 5 लाख विदेशी पर्यटकों को फ्री वीज़ा देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के सबसे बड़े तैरता हुआ या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मार्च 2022 में किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन अभी 2022 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहाँ स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात में WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के जलमार्ग के माध्यम से नेशनल वाटरवे फर्स्ट और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश से में नेशनल वाटरवे फर्स्ट और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने की किस तकनीक परीक्षण को रेल मंत्री की मौजूदगी में किया गया,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवच। एक कवच तकनीकी का विकास अभी जल्दी में ही हुआ है। इससे क्या होगा कि कोई भी ट्रेन अगर आमने सामने आ रही होगी तो उसकी टक्कर को रोका जा सकता है, पहले से ही इससे पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने रूषा योजना का विस्तार किस वर्ष तक के लिए किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्च 2026। जो रूषा योजना है इसका विस्तार 2026 तक किया जाएगा, और कौन सा मंत्रालय करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य की अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन फरवरी 2022 में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट खुल रहा है, उसका भी हाल ही में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।